अभी हम लोग जो जा रहे हैं, हाँ कहाँ? जानकी महल। अच्छा, महंत श्री श्री महंत, हाँ, महामंडलेश्वर, महामंडलेश्वर तपेश्वर बाबा के पास जा रहे हैं। अच्छा, जो मिथिला के गौरव हैं, हाँ, और मिथिला के परंपरा में, हाँ, गुरु परंपरा में उनका एक सबसे बड़ा भूमिका रहा, भूमिका रहा है, हाँ, और उन्हीं के दर्शन में, हाँ, पातेपुर युवराज, हाँ, पोखरा महंत जी, जी, बंगराहटा महंत जी, जी, और आप अपना परिचय भी दीजिए। हमारा परिचय तो एक छोटा सा गुरु जी के दिया हुआ है, बउआ हनुमान दास, जय हो जय हो, जहाँ पर चारों, हाँ, ऋषि मुनि का आश्रम है, जी, गौतम ऋषि का आश्रम है, याज्ञवल्क्य मुनि का आश्रम है, जी जी, श्रृंग ऋषि का स्थान है वहाँ, जी, वहीं पर चारु वेद का अभ्यास होता था, जी, अभ्रंश में उसे चौटा कहा करते हैं, चौटा, उसको हमने चौटा धाम कर दिया है, जी एकदम बिल्कुल चौटा धाम है, संतों के आशीर्वाद से, जी, और हमारा ये काम है कि सबों संतों को एक दूसरे को पियोरे, जी जी, एक दूसरे से ऐसा संबंध बन जाए, जी, जो ताकि संत समाज जो है, हाँ, एक दूसरे पर कटुता की शब्द का प्रयोग ना करे, ना करे, हाँ, भाव से दोनों भाई मिले, जी, और एक दूसरे के समर्पित की भाव रहे, जी, यह हमारा मुख्य उद्देश्य है, जी, जी, जीवन का, जी, और अभी अयोध्या में, हाँ, शिलान्यास जो हुआ है, हाँ, तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जी, उसे हम लोग अवलोकन किए दूर से ही, जी, वहां तक नहीं पहुंच पाए, जी, और अयोध्या के, जी, राजाधिराज, जी, हनुमान जी का दर्शन किए हनुमानगढ़ी में, जी जी, सरजुग मैया में डुबकी लगाए, जी, सब संतों का दर्शन हुआ, जी, और अभी हम लोग चल दिए हैं, जी, देखिए अब क्या होता है आगे, पुनः फिर हम जो है, हाँ, लाइन में आपको आएंगे और आपको सूचना देंगे, जी, अब हमारा जो ये रथ जो है, कहाँ, धर्म रथ, हाँ, धर्म रथ, धर्म रथ हम लोगों का जो है, हाँ, सो अब चल चुका है, जी, और उसके बाद इसका क्या होगा, यही अभी तपसी बाबा, तपसी छावनी में, छावनी में बड़े भक्तमाल जी के बगर में होकर, हाँ, के हम लोग निकल रहे हैं, यहाँ बड़े भक्तमाल जी का आश्रम है, जी जी, है, जो मिथिला का सबसे बड़ा गौरव है, जी, अब तो नहीं रह चुके हैं, इसलिए ये संस्था रो रही है, जी, जय सियाराम, जय सीता, जय हनुमान जी। और अभी तक जो है महाराज जी, हम लोग कहाँ कहाँ गए वो तो बता दिए, अब कहाँ जा रहे हैं अभी बताइए ना। अभी तो कनक बिहारी जी के यहाँ जा रहे हैं। अच्छा। और दशरथ मंदिर के पास जा रहे हैं, हाँ, वहाँ पर जगत गुरु तन तुलसी पीठाधीश्वर विष्णुदेवाचार्य जी हैं, हाँ, उनका भी दर्शन करेंगे। अच्छा, जगत गुरु, हाँ, उनका भी दर्शन करेंगे, हाँ, उनसे विचार विमर्श लेंगे, हाँ, उसके बाद फिर हम आगे हम लोग चलेंगे। चले, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं इसलिए क्योंकि अभी जहाँ तक जाएंगे वहाँ जाकर के लास्ट होगी वीडियो। अयोध्या दर्शन करते हुए आप लोग भी दर्शन करें, जो आदमी यहाँ तक नहीं लॉकडाउन में आ सकते हैं, हाँ, उनसे आग्रह करेंगे, हाँ, कि आप लोग इसको देखें, हाँ, शेयर करें, हाँ, कमेंट करें, हाँ, ताकि आप लोगों का भी फल। ये पुस्तक लेने के लिए रुके हैं महाराज जी अभी, हाँ, कौन सा पुस्तक है यहाँ? मूर्ति के लिए, मूर्ति के लिए यहाँ पर रुके हैं। अच्छा, अपने आश्रम के लिए वो महंत जी सब आए हैं, मूर्ति देंगे पोखरा स्थान के, हाँ, मठाधीश हैं,
पाते तो सरकार है। कर्मचारी जी भी हैं गौरा वन के, सब गौरी अब निकल जा रहे हैं। हाँ हाँ निकलेगा ना, यह बस हालों को देखिए। हाँ उस दुकान पर है वो, और दुकान चलिए मैंने वो दुकान पर है क्या, चलो फिर हम लोग उस दुकानदार वाले से बात करने के लिए गए थे जो कि अभी था नहीं। हाँ क्या बोल, वो कहीं बाहर गया है। हाँ। शाम तक आएगा, तो फिर महाराज जी बोले, महान जी बोले फिर बाद में आएंगे, तब तक हम लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। अब हम लोग यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। हाँ। और प्रस्थान का जो है स्वरूप जा पर कृपा राम के होई यही है। बड़ी भाग मानुष तन पावा। हाँ। संसारिक जीवन में मोह ममता करुणा अनुराग कैसे परपंच से हर आदमी बधे हुए हैं, कितना आगे बढ़ जाएं, कितना लोग मुझे पूछना है पूछने लगे, कितने लोग हैं जी। ये यहाँ पे रामलीला होता है, तुलसी स्मारक है। हाँ तुलसी स्मारक है। हाँ यहाँ प्रतिदिन रामलीला का आयोजन। और इधर दिगंबर अखाड़ा है, यही है ये दिगंबर अखाड़ा। हाँ। है परवंश जी का यही था। हाँ रामचंद्र परवंशी का। हाँ हाँ यही है अखाड़ा जी। हम लोग अयोध्या का दर्शन आप लोगों को करवा रहे हैं। हाँ इसलिए करवा रहे हैं कि कुछ पुण्य का भागी आप लोग भी बन जाए। बन जाए इस पर अगर कुछ ना लिख पाए आप तो कम से कम इस पर जय सियाराम लिखे। जय जय राम जी। हाँ। ये आग्रह है मेरा, निवेदन है, ताकि आपका भी हनुमान जी की यहाँ हाजिरी बन जाए। बन जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो जितने भी नोटिफिकेशन होगा वीडियो का वो आप तक मिलेगा, मेरा अगला वीडियो जो लोड होगा वो सभी आप तक पहुंचेगा। तो हम लोग अभी आ गए हैं हनुमानगढ़ी, अब यहाँ से देखा जाए हम लोग फिर क्या करते हैं, दर्शन करेंगे आगे जा करके। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। हाँ आगे हम लोग बढ़ आगे हनुमानगढ़ी से आगे बढ़ चुके हैं। हाँ। और ये धीरे धीरे हम लोग जहाँ हम लोगों को रास्ता मिल गया। हाँ। हाँ। क्योंकि अभी तो लॉकडाउन भी है। हाँ। और ये जो अयोध्या में अभी हुआ है। हाँ। शिलान्यास उसके चलते हर जगह रोक छोक चल रहा है, इसका भी झेल रहे हैं हम लोग। बड़े बड़े संत भी वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। अब हनुमानगढ़ी में प्रवेश हम लोग कर रहे हैं। हम लोग पिछले द्वार से द्वार से हम लोग जा रहे हैं। जा रहे हैं, आप लोग भी आनंद लें। हाँ देखिए आनंद आनंद लिया। बाइक होगा, बाइक होगा। हेलो। हाँ संतोष बाबा। हाँ हाँ संतोष दास जी वहाँ नीचे ऊपर में है, आ रहे हैं इधर। हाँ 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 नंबर 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 दिए थे ना उनका आपको,
अच्छा तो हम लाए, ये देखिए संतोष बाबा, ये कौन जटा वाला? हाँ जटा वाला, जटा वाला। इन्हें के यहाँ पाए? हाँ हाँ, नहीं नहीं इनके यहाँ नहीं, ये तो कहाँ का जो आवल है? नहीं नहीं, ओकी सुनते अब हम लोग भारतीय संस्कृति। हाँ, पिछले रास्ते से हनुमानगढ़ी में जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, आ गए भारतीय संस्कृति। इधर से ही हमारे सत्यानाश पर पहुंचाने वाला कांग्रेस पार्टी जो 70 साल राज किया। हाँ, इधर से ही मोदी जी, मतलब उनका काफिला निकला था और आया भी था इधर से ही। और महाराज जी कुछ बोलते जाइए तो। हाँ, 70 साल हम लोग जो है। हाँ, सनातन धर्म का। हाँ, जब से शोषक वर्ग। हाँ, कांग्रेस पार्टी था। हाँ, जो शोषण किया। हाँ, शोषण किया, और उसको ये मालूम था जो हम शोषण करेंगे। हुँ, तो ये सनातन धर्म टूट जाएगा। हाँ, और दूसरा धर्म इस पर हावी हो जाएगा। हाँ, उसे ये मालूम नहीं था। हाँ, कि हिंदू धर्म इतना बड़ा है। हाँ, कि सारे हिंदू धर्म से सबों का धर्म निकला है इसी से। हाँ, इस्लाम हो। हाँ, या जो कोई भी हो। हाँ, क्रिश्चन हो। हाँ, पारसी हो। हाँ, जितना भी धर्म जो है ये सनातन धर्म से निकला है। सनातन धर्म जो है हमारा इतना उसका गहरी नींव है जिसे छूने का जो भी कुछ कोशिश किया है वो नष्ट हो चुका है।